उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ लेकर के एक नए विषय को। आज हम बात करेंगे मनोचिकित्सा की, साइकोथेरेपी की, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा या मनोगत्यात्मक चिकित्सा या साइको डायनेमिक थेरेपी, साइको एनालिटिक थेरेपी जिसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि सिगमंड फ्रॉयड को इसका फाउंडर माना जाता है, इसका जनक माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसका पिता माना जाता है। तो इस चिकित्सा का जो देने का श्रेय जाता है वो सिगमंड फ्रॉयड को जाता है। जैसा कि आपने सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी भी पढ़ी होगी, तो हमने उसमें जाना था कि जो हमारे मन के अंतर्द्वंद होते हैं, हमारी चिंताएं होती हैं, हमारी कुंठाएं होती हैं, हमारे तनाव होते हैं, जिनको व्यक्ति अपने चेतन मन से निकालकर अचेतन मन में दमित कर देता है। मनोरचना युक्तियों में आपने दमन नामक मनोरचना युक्ति को भी जाना था। तो ये दमन का परिणाम कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कई सारे मानसिक रोगों से घिर जाता है, उसे कई सारी मानसिक व्याधियां हो जाती हैं। तो इसी कारण मतलब इस चिकित्सा के माध्यम से क्या किया जाता है, उस रोगी के जो अचेतन द्वंद हैं, उसके तनाव हैं, उसके जो उसमें जो मतलब उसके जीवन में जो नकारात्मकता आ गई है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे बाकी चिकित्सा पद्धतियां होती हैं, इस चिकित्सा पद्धति की भी कई सारी अवस्थाएं हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे उन अवस्थाओं की कि कैसे, किन किन चरणों से होते हुए चिकित्सा पद्धति गुजरती है और किस तरीके से इसका उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये जो चिकित्सा पद्धति है ये सबसे पुरानी है, ये जो थेरेपी है सबसे पुरानी है और वैज्ञानिक पद्धतियों में इसको पहले स्थान पर माना जाता है। इसमें जो चिकित्सक होता है, जो या फिर जो इसमें जो थेरेपिस्ट होता है, उसको ना ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो सही से ट्रेंड नहीं है तो वो चिकित्सा बहुत अच्छी तरीके से नहीं दे सकता, थेरेपी बहुत अच्छी तरीके से नहीं दे सकता। इसके अलावा जो ये चिकित्सा है, ये जो थेरेपी है, ये बहुत टाइम टेकिंग होती है, इसमें कई सारे सेशंस लग जाते हैं। यानी कि अगर आप इस थेरेपी को लेने जा रहे हैं तो आपको एक हफ्ते में 3 से 5 तक के सेशन लेने पड़ सकते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं, यानी कि 2 साल भी चल सकता है, 3 साल भी चल सकता है। तो जो ये चिकित्सा पद्धति होती है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है। तो जब ये चिकित्सा पद्धति की शुरुआत होती है तो इसके जो चरण होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। तो जो इसकी प्रथम अवस्था होती है उसे हम फ्री एसोसिएशन की स्टेज कहते हैं, यानी कि मुक्त सहचर्य की अवस्था। तो इसमें क्या है, जो थेरेपिस्ट होता है वो जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसको एक काउच पर लेटा देता है और उसको लेटाने के बाद उसकी आँखों से ओझल हो जाकर उसके पीछे जाकर के बैठ जाता है। अब जो चिकित्सक होता है या फिर जो थेरेपिस्ट होता है वो रोगी से कहता है कि उसके मन में जितने भी विचार हैं, जितनी भी भावनाएँ हैं, जो जो परेशानियों को वो झेल रहा है, उसके मन में जितनी भी तरीके की कुंठाएं हैं, जो भी भावनाएं हैं, उनको वो व्यक्त करे। कोई भी चीज़ों को छिपाना नहीं होता, जो जो विचार उसके मन में आते जा रहे हैं उन्हें वो व्यक्त करता जाए। तो जैसे जैसे जो रोगी है वो अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करने लगता है, अपनी बातों को बताने लगता है, उसकी जो अचेतन अंतर्द्वंद होते हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं और जो चिकित्सक है यानी कि जो थेरेपिस्ट है वो उन्हें नोट करता चलता जाता है। इसी के बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से जो रोगी है वो चुप हो जाता है, तो जो चिकित्सक है वो उसे मोटिवेट करता है कि वो अपने जो बातें हैं उन्हें सामने रखे और बिल्कुल अच्छी तरीके से सामने रखे, जिसका उसके ज़िंदगी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी बातें बिल्कुल गोपनीय रहेंगी और उसकी जो ये सारी बातें हैं वो उस थेरेपिस्ट और उस रूम से बाहर नहीं जाएंगी। तो जो इसमें जो रोगी होता है अपने मन की सारी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है उसे हम प्रतिरोध की अवस्था कहते हैं, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इसे कहा जाता है।
होता क्या है, जब कोई रोगी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा होता है, अपने विचारों को, अपने अंतर्द्वंद्वों को, अपने तनावों को, जिनसे वो दैनिक जीवन में परेशान है, जो उसको रोज़ परेशान कर रहे हैं, और जिन तनावों के कारण, जिन चिंताओं के कारण उसमें जो उसका व्यवहार है वो नकारात्मक हो गया है, उसमें मनोरोग आ गए हैं, जब उनको वो व्यक्त कर रहा होता है, उन भावनाओं को वो जो चिकित्सक है उसे बता रहा होता है, तो अक्सर क्या होता है, जो रोगी है वो बताते बताते चुप हो जाता है, क्योंकि रोगी को ये लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसको वो चिकित्सक को नहीं बता सकता, या फिर वो बता देगा तो शायद वो उसकी अवहेलना हो जाएगी, या फिर शर्म है, इस वजह से वो उन बातों को चिकित्सक को नहीं बता पाता। तो इसको प्रतिरोध की अवस्था कहा जाता है, जहाँ पर रोगी अचानक चुप हो जाता है, या तो वो बातें नहीं बताता, या फिर वो क्या करता है, कहानियां बनाने लगता है, मनगढ़ंत बातें करने लगता है, और जो चिकित्सक है उसे उलझाने का प्रयास करने लगता है। तो ये जो स्टेज होती है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। इसमें जो चिकित्सक का कार्य होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसकी जो मनगढ़ंत बातें होती हैं उनको समझ करके, या फिर अगर जो पेशेंट है वो चुप हो जाए, तो क्या करना होता है चिकित्सक को, उसको इनकरेज करना होता है, उसे मोटिवेट करना होता है, और उसके साथ ऐसा सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्थापित करना होता है कि वो चिकित्सक को बिल्कुल अपना सहयोगी मानकर अपनी सारी बातें उन्हें बता सके। तो इसमें जो चिकित्सक की भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और चिकित्सक को बिल्कुल ऐसे प्रयास करने होते हैं कि रोगी उनके अपनी जो अचेतन के अंतर्द्वंद हैं, अपनी बातें हैं, वो जो चिकित्सक है उन्हें सही सही बता दें। इसके लिए अगर रोगी अपनी सारी बातें नहीं बताता, तो चिकित्सक को और विधियों का भी इस्तेमाल इस अवस्था में करना पड़ सकता है, जैसे कि हिप्नोसिस, यानी कि सम्मोहन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर रोगी अपनी बातें, अगर चिकित्सक को ये लग रहा है कि रोगी अपनी बातें पूर्ण रूप से उन्हें नहीं बता रहा, तो वो सम्मोहन का प्रयोग करके उसके अचेतन में छुपी बातों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अगर वो नहीं बताना चाहता, बोलना नहीं चाहता, या उसको शर्म लग रही है, ऐसा चिकित्सक को लगता है, तो वो रोगी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप बोल नहीं सकते तो आप क्या करें, आप लिख करके सारी बातें हमें बता दें। तो यहाँ पर जो रोगी होता है उसके पास एक ऑप्शन और होता है कि वो लिखकर अपनी बातें चिकित्सक को बता दें। अगर ऐसी स्थिति होती है कि रोगी लिखकर भी नहीं बता रहा होता है, बिल्कुल चुप हो गया होता है, और इस अवस्था में जो चिकित्सा है वो आगे बढ़नी बंद हो जाती है, तो ऐसे में जो चिकित्सक होता है वो क्या है, वो चित्र बनवा करके या फिर मनोनाटकों का प्रयोग करके भी रोगी के मन की बातों को बाहर ला सकते हैं। वो उससे ड्राइंग करने को कह सकते हैं, और इस वजह से जो वो ड्राइंग करता है उससे, उसके चित्र बनाने से उसके मन के जो अंतर्द्वंद हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इस विधि में किसी भी प्रकार से ये प्रयत्न किया जाता है कि जो रोगी है उसके अचेतन अंतर्द्वंद्वों को, अचेतन भावनाओं को बाहर निकाला जा सके। इसके बाद जो अगली अवस्था आती है वो है स्वप्न की अवस्था, यानी कि स्वप्न, इसको हम स्वप्न विश्लेषण की अवस्था भी कहते हैं, या फिर स्टेज ऑफ ड्रीम एनालिसिस भी इसको कहा जाता है। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण, यहाँ पर जो चिकित्सक है वो रोगी के स्वप्नों का विश्लेषण करता है। अक्सर क्या होता है, आपने जब फ्रॉयड की मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, फ्रॉयड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसको अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इंसान की अचेतन भावनाएं होती हैं, जिनको अपनी जो भावनाएं हैं, जिनकी अभिव्यक्ति वो अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाता, हमारी बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं, हमारी बहुत सी ऐसी भावनाएं होती हैं जिनकी अभिव्यक्ति हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाते। कभी कभी हमें लगता है कि हम उनकी अभिव्यक्ति करेंगे तो शायद हम मजाक के पात्र बन जाएं, या कभी कभी अपनी कुछ इच्छाओं की जो फुलफिलमेंट है वो हमारी डेली लाइफ में हम नहीं कर पाते, तो वो इच्छाएँ हम अपने अचेतन में डाल देते हैं। तो ऐसी इच्छाएं व्यक्ति की सपने में पूरी होती हैं। बहुत बार हमको ऐसे सपने दिखाई देते हैं जो हम अपनी असली ज़िंदगी में करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, तो हम उन सारी चीज़ों को अपने स्वप्न के माध्यम से पूरा करते हैं। तो जो ये स्वप्न है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा फ्रॉयड का मानना था। तो जो ये स्वप्न विश्लेषण की अवस्था होती है, इसमें रोगी के स्वप्नों का विश्लेषण किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि उसे किस तरीके के सपने दिख रहे हैं, वो सपने में क्या क्या देखता है, कैसे देखता है, और क्यों, मतलब लगातार अगर उसको
किसी एक ही तरीके के सपने दिखाई दे रहे हैं, तो उन सपनों को नोट करके उन सपनों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके द्वारा भी उसकी अचेतन जो भावनाएं हैं, अचेतन जो चिंताएं हैं, अंतर्द्वंद हैं, जिसके कारण उसके व्यवहार में समस्या आ रही है, उनको बाहर निकाला जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि ऐसी कौन सी अचेतन भावनाएं हैं जिसके कारण उसका व्यवहार बदल रहा है या उसका व्यवहार असमायोजित हो रहा है। तो इसके अलावा जो उसके बाद अगली अवस्था होती है, जब ड्रीम एनालिसिस हो जाता है, उसके स्वप्नों का भी विश्लेषण कर लिया जाता है, तो जो अगली अवस्था आती है वो होती है स्थानांतरण की अवस्था। स्थानांतरण की अवस्था यानी कि अब इसमें क्या है, हमने शुरुआत से देखा कि मुक्त सहचर्य की अवस्था थी, फ्री एसोसिएशन था, रोगी ने अपनी सारी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर दी, उसने बोल करके अपनी सारी परेशानियों को बता दिया। उसके बाद जिन परेशानियों को वो नहीं बता पाया तो चित्र के माध्यम से, लिख करके या किसी भी तरीके से उसकी अचेतन की भावनाओं को जो चिकित्सक था उसने बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद जो अगली अवस्था थी ड्रीम एनालिसिस की अवस्था, अब जो पहली दो अवस्थाओं में उसकी भावनाएं बाहर नहीं निकल पाई थी तो उसके स्वप्नों का विश्लेषण करके उन सारी जो अचेतन द्वंद थे उनको बाहर निकाल दिया गया। तो क्या हो गया ओवरऑल, जो उसकी परेशानी के अचेतन कारण थे, ठीक है, जो भी जो उसके अचेतन की दमित इच्छाएं थी, जो उसके अचेतन की दमित भावनाएं, तनाव, चिंताएं, जितनी भी चीज़ें थी, अब वो चिकित्सक के सामने आ गई कि कौन कौन सी चीज़ें उसे परेशान कर रही हैं और किस कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है या वो मनोरोगों का शिकार हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं तो जो उसका अचेतन मन है वो बिल्कुल खाली हो जाता है और इसके बाद जो रोगी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, क्योंकि जो चीज़ उसे परेशान कर रही थी, जो उसने अपने अंदर छुपा के रखी थी, जो उसने अपने अंदर दबा के रखी थी, वो जो बातें वो किसी को नहीं बता पा रहा था और जो बातें रह रहकर बार बार उसके अचेतन से चेतन में आ करके उसे परेशान कर रही थी, वो चिकित्सक के सामने आ चुकी थी और उसका चेतन मन बिल्कुल खाली हो चुका था। तो ऐसे क्या होता है, जो रोगी होता है वो ठीक होने लगता है क्योंकि उसकी जो परेशानियां होती हैं वो बाहर आने लगती हैं। इसके बाद जो अगली अवस्था जो मैंने आपको कहा स्थानांतरण की अवस्था, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत लंबी चिकित्सा विधि है, तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है, कई सारे सेशंस होते हैं, हफ्ते में 3 से 5 तक के सेशंस होते हैं, तो जो रोगी और पेशेंट के जो संबंध हैं वो काफ़ी मतलब घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं, संबंध सौहार्दपूर्ण होने के साथ साथ घनिष्ठ भी हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ जो रोगी है वो चिकित्सक के पास आ रहा होता है, अपनी सारी भावनाएं उनको बता रहा होता है, सारी बातें उनके संग शेयर कर रहा होता है, तो कभी कभी जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा और घनिष्ठ संबंध उनके बीच स्थापित हो जाता है। तो जो स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार का होता है, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और प्रतिस्थानांतरण। तो जो धनात्मक स्थानांतरण होता है इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है वो चिकित्सक के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने लगता है, उसे पसंद आने लगता है चिकित्सक के संग बातें करना और चिकित्सक के पास रहना, तो वो एक लगाव और एक स्नेह को प्रदर्शित करता है चिकित्सक के प्रति। इसके अलावा जो ऋणात्मक स्थानांतरण होता है इसमें जो पॉजिटिव है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, जो रोगी होता है वो चिकित्सक के प्रति या विलगाव या फिर घृणा या फिर गुस्सा प्रदर्शित करने लगता है। इसके अलावा जो प्रतिस्थानांतरण होता है, प्रतिस्थानांतरण में जो चिकित्सक है यानी कि उल्टा हो जाता है, चिकित्सक रोगी के प्रति स्नेह और लगाव महसूस करने लगता है, ये इसलिए होता है क्योंकि वे एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब रोगी ठीक हो चुका होता है और उसका जो चिकित्सक के संबंध के संग संबंध है वो काफ़ी घनिष्ठ बन गया होता है, तो जो चिकित्सा की पूरी प्रोसीजर होता है उसका जो समापन होता है, जो टर्मिनेशन होता है, उसको करना बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी। तो इसके बाद जो अगली अवस्था आती है वो होती है समापन की अवस्था। समापन की अवस्था यानी कि अब रोगी बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, उसके अंदर के सारे तनाव बाहर निकल चुके होते हैं, उसकी सारी परेशानियां बाहर निकल चुकी होती हैं, तो यहाँ पर जो इस चिकित्सा की जो प्रक्रिया है इसको समाप्त करने का यहाँ पर प्रोसीजर चलाना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि
जो समापन है चिकित्सा का वो बहुत धीरे धीरे करना होता है। अगर कोई चिकित्सक अचानक किसी चिकित्सा प्रविधि का समापन कर देता है, थेरेपी का समापन अचानक कर देता है, तो इससे क्या होता है, जो रोगी अपने सारी परेशानियों को भूल रहा होता है, अपने सारे तनावों को भूल रहा होता है, और अचानक जो इस बीच आपने देखा कि लंबे समय से वो चिकित्सक के संग रह रहा है, तो चिकित्सक के संग उसका काफ़ी अच्छा संबंध स्थापित हो चुका होता है, तो एकदम संबंध विच्छेद होने से, चिकित्सक के संग एकदम दूर होने से उसके अंदर फिर से नकारात्मकता आ सकती है, या फिर अचानक से उसके भावों में, उसके विचारों में परिवर्तन आ सकता है। तो बहुत बार ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि एकदम से अगर आप चिकित्सा का समापन कर देंगे तो रोगी में फिर से किसी मनोरोग के लक्षण वापस ना आ जाएं, तो यहाँ पर जो चिकित्सक है उसे काफ़ी आराम से और धीरे धीरे चिकित्सा का समापन करना होता है। और समापन करने के बाद इसमें ये देखा जाता है कि जो रोगी इस चिकित्सा से बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि इसमें इस चिकित्सा जो ये चिकित्सा की जो पूरी विधि है, इसमें क्या होता है, उसके अचेतन की सारी परेशानियों को बाहर निकाला जाता है, तो इससे क्या होता है, इसके भविष्य में वापस उन रोगों के लक्षण वापस आने की संभावना जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि उसकी जितनी सारी परेशानियां होती हैं वो बाहर निकल चुकी होती हैं। जैसे कि हर चिकित्सा विधि में कुछ गुण एवं दोष होते हैं, वैसे ही इस चिकित्सा के भी बहुत सारे गुण और दोष हैं। गुण ये हैं कि ये चिकित्सा क्योंकि हमारे अचेतन के सारे अंतर्द्वंद्वों को बाहर निकाल देती है, तो इससे क्या होता है, भविष्य में मनोरोग होने के, जो मनोरोग से रोगी परेशान होता है, उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा क्योंकि अगर उसकी दोषों की बात की जाए, तो पहले सबसे बड़ा दोष ये है कि बहुत लंबी चिकित्सा प्रविधि होती है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 3 से 5 हफ्ते हर, मतलब 3 से 5 दिन हर हफ्ते जाना, बहुत खर्चीला भी हो जाता है, बहुत सारे सेशन होते हैं, तो रोगी जो होता है वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एक संग उसको हफ्ते भर कई सारे सेशन लेने पड़ते हैं। इसके अलावा जो चिकित्सक है उसको अच्छी तरीके से ट्रेंड होना ज़रूरी होता है, अगर चिकित्सक सही से ट्रेंड ना हो तो चिकित्सा अच्छी तरीके से नहीं संपन्न की जा सकती, तो इसके ये कुछ दोष भी हैं। तो आज आपने जाना कि जो फ्रॉयड की मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा है ये क्या है, किस तरीके से इसकी अवस्थाएं होती हैं और इसे कैसे संपन्न किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चिकित्सा समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम मिलेंगे नई चिकित्सा प्रविधि के संग, तब तक के लिए नमस्कार।